तो आज मैं पीने के लिए लेके आया हूँ नेस्कैफे वालों की चिल्ड मोका, और एक ये चिल्ड लाटे है, वैसे मोका ही बोलते हैं ना। हाँ, और ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है, तो कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो उसके लिए सॉरी। और आज जो है इसका रिव्यू करते हैं। ये 140 की एक है, 140 की एक है, और मैं आप लोगों को पी के बताता हूँ किस तरह की ये चीज़ है, ताकि आप लोगों के पैसे ना ज़ाया हों। और पैकिंग भाई इतनी छोटी सी बनाई है, मेरे से डंगर का इसका क्या बनना है, मैं चार भी पी जाऊँ तो पैसे वैसे ज़्यादा हैं ओवरऑल देखा जाए, मगर क्या कर सकते हैं, चीज़ बिक रही है, लोग पी रहे हैं, और आज जो है मैं भी पी के देखता हूँ। मैंने कभी नहीं पिया है, मेरा तो दूर दूर तक ऐसी चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं है, 3 साल से कोई बोतल नहीं पी, तो सबसे पहले तो है इसको ज़रा खोलते हैं, और कलर मैं पहले चेक करता हूँ ना दोनों का डिफरेंस क्या है। तो ये जो है इसके अंदर मैंने मौका डाल दी है, इसका कलर डिफरेंस थोड़ा चेक करते हैं। यानी जो है चिल्ड लाटे, लाटे भी डाल देते हैं, और लाटे का जो कलर है वो फ़र्क पता लग रहा है, मोका जो है वो थोड़ी चॉकलेटी फ्लेवर है, या ज़रा लाटे आप लोगों को पता होगा कि जो स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी फ्लेवर होता है वो होता है। तो सबसे पहले तो है मैं लाटे से ट्राई करता हूँ कि क्या इसका टेस्ट है, क्योंकि मुझे पता है थोड़ी कौड़ी सी होगी और यह थोड़ी मीठी होगी, तो ज़रा बैलेंस हो जाएगा। बाकी कलर डिफरेंस आप लोगों को पता लग रहा होगा, और मैं पी के अब देखता हूँ। और मज़े की है ये, इसका जो टेस्ट है ना वो तो थोड़ा सा कड़वा एंड के ऊपर, जब आप सिप ख़त्म करते हो ना तो एंड के ऊपर आपको जो टेस्ट है वो कड़वा सा और एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी फ्लेवर देता है। वैसे अगर आप पी रहे हो तो मीठा सा है, और थोड़ी सी इसकी जो रिचनेस है वो ज़्यादा होनी चाहिए थी एज़ कम्पेयर टू बाकी जो मिलती हैं, तो इसकी रिचनेस थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए थी, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए थी, थोड़ा सा वो पतला पतला टाइप फीलिंग आ रही है। वैसे पीने में ठीक है, अगर आप एक कॉफ़ी लवर हो, आपको कॉफ़ी का वो टेस्ट फील करना है ना, तो उसके लिए आपके लिए ये बेस्ट हो सकती है। बाकी मैं जो इसको भी पी के देखता हूँ ये कैसी है। ये तो यार माइलो इन्होंने बना दिया एक तरह से, और नेस्कैफे ये नेस्ले वालों की है, तो ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही जो टेस्ट है ना वो आ रहा है, इसका टेस्ट तकरीबन माइलो जैसा ही है। और ये मैंने आप लोगों को जो है वो बताया, तो ये इन्होंने माइलो की कॉपी मारी है। मैं थोड़ा दोबारा पी के देखता हूँ, ये तकरीबन 95% जो है वो माइलो जैसा ही है, इसका टेस्ट है कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, लाटे के अंदर जो है वो आपको पता लग रहा है स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी फ्लेवर आ रहा है, मगर आप लोगों ने अगर ये मौका पीनी है तो इससे अच्छा आप लोगों के जो 4 माइलों हैं वो आ जाएंगे 140 के अंदर। तो ये ना लेना, ये फजूल इन्होंने काम डाला है। ये इसका कलर भी जो है वो माइलो जैसा है, और मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसको और माइलो को कंपैरिजन करूंगा। ये भाई माइलो है, और ये अगर आप लोगों को वाकई कॉफ़ी का टेस्ट लेना है चिल्ड वाला, तो डेफिनेटली आप इसको देख सकते हो। तो ये इसका जो है मेरा है टेस्ट कंपैरिजन, बाकी मिक्स करके जो है वो देख लेते हैं, मैं इससे नहीं डालूंगा, मैं इसके अंदर इसको डाल के देखता हूँ कि क्या टेस्ट बनता है। तो थोड़ा लाटे इसमें डालते हैं और देखते हैं मिक्स करके जो है वो क्या सिस्टम बनता है। माइलो का ही टेस्ट आ रहा है, मैंने हालांकि काफ़ी इसमें ये डाली है, मगर माइलो का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा और वो बैलेंस हो गया, उसका कॉफ़ी का फ्लेवर है वो ख़त्म हो गया है, और वो वैसे भी थोड़ी सी मीठी है, तो ये वैसे ही मीठा है, तो वो जो आप कह लो जो टेस्ट है वो एक तरह से बैलेंस हो गया, और मीठा सा माइलो टाइप का फ्लेवर आ रहा है। और मेरे फाइनल ओपिनियन अगर इसके ऊपर दें तो मुझे दोनों ही बस एवरेज सी लगी हैं, और 140 के अंदर इससे अच्छा आप जाके कहीं बाज़ार के अंदर कुछ और जो चीज़ है वो पी सकते हो। तो ये मेरी इसके ऊपर रिकमेंडेशन होगी, इतना कोई ख़ास इसका टेस्ट ही मुझे लगा, और ये तो माइलो है ना, तो माइलो के ऊपर आप 140 रुपये खर्च करने से अच्छा है कि माइलो के 4 डब्बे पी लो, और लाटे भी बस ओके सी है, मीठी सी और स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी फ्लेवर है, तो चेक करना हो तो कर सकते हो, बाकी मेरी दोनों के ऊपर रिकमेंडेशन ही है। तो ये था आज का हमारा रिव्यू, बाकी अगर आप लोगों की कोई सजेशन वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अल्लाह हाफिज़।